हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम एक नए मीडियम में पेंटिंग करेंगे। और आज हम पेंटिंग करने वाले हैं एक्रिलिक कलर्स का यूज़ करके, और कुछ नया होने वाला है। मतलब मुझे भी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एक्रिलिक पेंटिंग में, और मेरे चैनल का भी पहला वीडियो है इस एक्रिलिक पेंटिंग का। और देखते हैं कैसी बनती है पेंटिंग। और आज हम पेंटिंग करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी वाली। और रेफरेंस फोटो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और बस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं यूज़ करने वाला हूँ कैमलिन के एक्रेलिक कलर्स, ये बॉटल्स वाले। तो देखते हैं वीडियो कैसा होता है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आउटलाइन जो है मैंने बना ली है अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी से। और ये रहे हमारे एक्रिलिक कलर्स जो कि कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कलर्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता दूँ, मेरे को जो इसका प्राइस पड़ा है वो है 200 रुपीज़। और आपको हो सकता है थोड़ा चेंज हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा अमेज़ोन से अगर आपको लेना हो तो। और मैंने यहाँ पे बॉटल्स वाले परचेज़ किए हैं, अभी मैंने डायरेक्टली ट्यूब्स वाले परचेज़ नहीं किए हैं, क्योंकि ट्यूब वाले जो है थोड़े महंगे भी आते हैं और मुझे अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है एक्रिलिक पेंटिंग के बारे में। और मुझे पेपर पे ही पेंटिंग करनी थी तो मैंने ये वाले ले लिए। और ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे कलर्स, मैं एक दिखा दे रहा हूँ। तो ये 15 ml की बॉटल्स हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं हमारे कलर्स। तो यहाँ पे हमारे पास में 10 कलर्स हैं, और कुछ कुछ मैं यूज़ भी कर चुका हूँ, जैसे ये आप ब्राउन देख सकते हो। तो जल्दी से ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसी बनती है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो सबसे पहले मैं येलो कलर से शुरू कर रहा हूँ, और रेफरेंस फ़ोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये लाइट कलर, सबसे लाइट कलर येलो से शुरू किया है। That's my bad boy. तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी आपके आर्टिस्ट फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करो वीडियो को। और एक्रिलिक पेंटिंग मैंने पहली बार की, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो बस यही था इस वीडियो में। और एक्रिलिक पेंटिंग मतलब उसमें अगर कोई गलती भी हो जाती, मैंने बहुत बार गलती की इसमें, पर वो बिल्कुल सही हो गई। उस बिल्कुल पेंटिंग ख़त्म होने के बाद बिल्कुल भी दिख नहीं रही थी वो गलतियाँ।
तो बस एक्रेलिक पेंटिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताना, और बहुत नए नए वीडियोस में लाता रहता हूँ, तो चैनल को भी देखना, सब्सक्राइब वाला बटन है तो उसको दबा देना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ड्रॉइंग। बाय बाय।